हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अब आप लोग वेट कर रहे थे इस चैप्टर का, इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर का। कई जिनका मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आया कि सर इश्यू ऑफ शेयर्स का वीडियो डाल दीजिए, 10 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे आते हैं, बाकी एसएक्यू एमसीक्यू तो अलग बात है। तो पहले आज के इस वीडियो में इश्यू ऑफ शेयर्स के सारे प्रैक्टिकल सम्स के 2015 से लेके 2023 तक जितने भी सम सेट में, उन सबका सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं। इवन अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हिंदी मीडियम में है, बंगाली मीडियम में है, तो भी अकाउंटेंसी का सॉल्यूशंस, हमको प्रैक्टिकल वाले सॉल्यूशंस तो हमको इंग्लिश में ही लिखना होता है। क्लियर? जो समझा रहा हूँ मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, बट ऑब्वियस आंसर राइटिंग इज इन इंग्लिश। आई होप यू हैव लव्ड द अर्लियर वीडियोज, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। 2015 का क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने, 2015 में हमारे पास क्या क्वेश्चन आया था। एंड आपको पता है हमारे यहाँ प्रोराटा तो आता नहीं है, बहुत सिंपल सम्स होते हैं। जैसा कि पहले के वीडियो से बताए थे, फॉर्मेट पे पूरा ध्यान देना है, फॉर्मेट पूरा अच्छे से बनाना। मैं एक सम्स में सिर्फ फॉर्मेट बनाऊंगा जो कि जर्नल का फॉर्मेट है। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इन द बुक्स ऑफ, जैसे इस समय एक्स लिमिटेड था तो आपको एक्स लिमिटेड का नाम लिखना होगा, उसके बाद लिखना होता है जर्नल। हमने कहा था ना कि इस बार एक नंबर भी बेवजह का नहीं कटेगा आपका, अब जब आप अपने आप को उस तरह से तैयार कर लोगे आप कि एक मार्क्स भी बेवजह का नहीं जाए। जैसे फॉर्मेट वगैरह में नंबर जाता है, हमें नहीं जाने देना है। राइट एवरीवन, सर यहां पे आपका डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट एंड रुपीस का सिंबल, ये हमारा फुल सेफ्टी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। आपको पता होगा शेयर्स के चैप्टर में नॉर्मली 4 मार्क्स वाले वैरायटी में क्वेश्चन आता है, 4 फीचर रीइश्यू वाली, 2 इंटरेस्ट खाली करना, और एक 6 मार्क्स वाली वैरायटी में आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस। दोनों के ही और में थ्योरी भी रहती है, एकदम लिमिटेड नंबर थ्योरी है, अगर वो लोग कर ले तो भी हो जाता, बट वो मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। थ्योरी का वीडियो आपके लिए अलग से आएगा। एंड मैं हमेशा इंकरेज करता हूं कि प्रैक्टिकल सम्स ही करो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। अगर आपको किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना, आपको कॉन्सेप्ट का वीडियोस भी मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। फिलहाल ये सिर्फ सॉल्यूशंस के वीडियोस है, काउंसिल पेपर के सॉल्यूशंस के। क्लियर? एक्स लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार पेबल, 6 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए कॉल। न्यू सिलेबस का पहला साल था ये 2015, राइट? ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द होल्डर 200 शेयर्स हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। गिव 2 जनरल इंटरेस्ट, तो ठीक है, क्या चीज का? फॉर मनी कलेक्टेड ऑन कॉल एंड फॉरफिटर ऑफ शेयर्स। रीइश्यू का एंट्री पे नहीं पूछा था, कॉल मनी मिलने का एंट्री पूछा है, मनी कलेक्टेड ऑन कॉल एंड फॉरफिटर ऑफ शेयर्स। So, ready, here we go with the solution. 1000 shares था, call money हमको जब मिल रहा है तो एक आदमी के पास 200 shares था, वो call का पैसा नहीं दिया था, तो calls in earlier account भी debit होगा, bank account debit जो पैसा मिलता है, calls in earlier account debit, कोई MCQ आ जाए कि calls in earlier account कौन सा account है, तो वो personal account है, वो शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है, ध्यान में रखिएगा। 2 इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट में दोस्तों कितना रुपया आएगा? 2000, 1000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके कॉल मनी जो ड्यू के एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इस एंट्री के पहले, इस एंट्री पे कॉल अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसमें से आपको कितना शेयर्स पे नहीं मिला? 200 शेयर्स पे
₹2 का ये कॉल मनी नहीं मिला आपको, तो ये हो गया आपका ₹400 डेबिट, बाकी का आपका बैंक में डेबिट हो गया ₹1,600। बिंग कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 800 शेयर्स। नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर लिख देता है तब नरेशन नहीं देते हैं, अदरवाइज हमको नरेशन देना होता है। हमको 100 में 100 चाहिए इस बार। बिंग कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 800 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। अच्छा, अब क्या बोले, ये शेयर्स हम लोग फोरफिट कर लिए। तो फोरफीचर का एंट्री में दोस्तों आपको एंट्री मालूम होनी चाहिए, जब फोरफिट करते हैं ना तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा उतना रुपये से कम हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है अलाउड नहीं है, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। मत बोलना गौतम सर आपने भी तो वीडियो में लिखा था, फुल फॉर्म लिखना है आपको, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपन शेयर्स प्रॉफिट कितना करे दोस्तों, 200 शेयर्स कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है। एक वीडियो में बता दे रहा हूं सब कुछ आपको डिटेल में। ये जो अमाउंट हम लोग डेबिट करते हैं इनटू, ये कॉल्ड अप अमाउंट होती है, सिंस हमारा कंपनी कॉल तक कर चुका है तो ₹10 पूरा कॉल हो चुका है, ₹6 एप्लीकेशन, ₹2 अलॉटमेंट, ₹2 कॉल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, इस आदमी का 200 शेयर्स था, ₹10 कॉल्ड अप अमाउंट है वो डेबिट हो गया। पूरा चीज का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको वीडियो में। हाउएवर स्टिल कौन से प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले कहा, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे। टू कॉल्सर ईयर 400 कॉल्सर अकाउंट जो पहले डेबिट हुआ था ना वो यहां क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो जाता है। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, इसके आगे इक्विटी वर्ड नहीं लगाते हैं, इक्विटी शेयर फोरफीचर कुछ बच्चे लिख देते हैं, वो नहीं लिखना होता है। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, इसमें क्या था मालूम है कि जिन शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो उसके ऊपर कितना पैसा मिल चुका है, कंपनी को कितना पैसा मिल चुका है ऑन द फोरफिट शेयर्स, प्रीमियम का सम्स अगर होता है ना, प्रीमियम को छोड़ के कितना मिला है वो यहां क्रेडिट होता है, वो है आपका 1600। क्लियर, खत्म। नरेशन इसका क्या रहेगा, बीइंग 200 शेयर्स forfeited for non-payment of call money of ₹2 each। That's it, हो गया, चार नंबर जेब में आ गया, that easy। 2015 में एक और सम आया था 6 नंबर का सम्स, का 6 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन था जिसके अंदर अपने को सब कुछ करना होता है बेसिकली इश्यू से लेके सब कुछ, उसमें क्या था कि जॉय कंपनी लिमिटेड इश्यू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, ₹5 प्रीमियम पे, एप्लीकेशन में ₹5, ₹10 अलॉटमेंट में, ₹5 फर्स्ट कॉल, ₹5 फाइनल कॉल। ये ₹10 अलॉटमेंट में जो है इसमें आपका ₹5 प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है। आगे क्या लिखता है क्वेश्चन में कि ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन शेयर्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब बंदे ने एप्लीकेशन का दिया था, अलॉटमेंट का दिया था, बंदे ने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दिया 1000 शेयर्स पे, और 500 शेयर्स पे एक बंदे ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ये 1500 शेयर्स कंपनी ने बाद में फोरफिट कर लिया, अपने को जर्नल नोटिस पास करने बोले इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। क्लियर, सबसे पहले दोस्तों 20,000 शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं उसकी इंटरेस्ट स्टार्ट होगी, जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, इन द बुक्स ऑफ जॉय कंपनी लिमिटेड, एवरीथिंग। एंड अगर आपको आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो पॉज करके खुद करो और फिर चेक करो। क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये सब कुछ पूरा लिखना होता है राइट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 शेयर्स इंटू 5 रुपया करके 1,00,000, 20,000 × 5 राइट। बेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों अलग से एमसीक्यूज का वीडियो तो आने वाला है ही, बट स्टिल पहले की वीडियोस आपने देखा, मैं इस वीडियो में एमसीक्यूज का कुछ कुछ डिस्कशन करते रहूंगा। जैसे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज विच अकाउंट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ऐसा का ऑप्शन आ जाता है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, ये सारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, याद रखना। एनीवेज ये खत्म। उसके बाद अलॉटमेंट मनी 10 रुपए ईच करके है, उसमें 5 रुपया प्रीमियम है। अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री दोस्तों, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये पहले ड्यू की एंट्री पास होती है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एक्चुअली सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वर्ड होता है, बट रिजर्व वर्ड को कंपनीज एक्ट से अभी 1.5 साल पहले से हटा दिया गया है, इट्स ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपया करके 2,00,000, 20,000 शेयर्स पे 5 रुपया करके तो कैपिटल में चला जाएगा, और बाकी का 5 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। ये फिर रिपीट करो, क्या चीज की एंट्री होती है, अलॉटमेंट मनी ड्यू बोला जाता है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ₹5। आपको अलॉटमेंट मनी मिलेगा, एंड याद रखिएगा क्वेश्चन में सारे शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, कॉल का पैसा 1,000 शेयर्स पे नहीं दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का, और फाइनल कॉल का पैसा 500 शेयर्स पे नहीं मिला है, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा हर किसी से मिला है, कहने का तो उसमें कॉल सिनेरियर नहीं है। सो इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज 2,00,000। याद रखना दोस्तों, प्रीमियम एंड कैपिटल को जो सेग्रीगेट करते हैं ना, वो अलॉटमेंट मनी ड्यू वाले एंट्री में करना है। इस समय अलॉटमेंट में प्रीमियम था, तो बैंक वाला एंट्री जो पैसा मिलने का एंट्री होता है ना, उसमें नहीं होता अलग, ड्यू वाला एंट्री में अलग होता है, याद रखना, लोग यहां भी गलती कर देते हैं। इसके बाद हमारा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा 5 रुपया करके, ऑब्वियसली 20,000 शेयर्स पे आपका ड्यू का एंट्री पास करेंगे आप बैंक का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 शेयर्स पे 5 रुपए करके दिस इज 1,00,000। क्लियर। नेक्स्ट अपना कॉल मनी मिलने का एंट्री। कॉल मनी मिलने में क्या है, 1,000 रुपया 1,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा 5,000 रुपया करके नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक आदमी ने पैसा नहीं पे किया, इट्स बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट तो आपका 1,00,000 ही होना है,
आपने इसके पहले जो 1 लाख डेबिट किया था वही 1 लाख आपके क्रेडिट होगा। कॉल्स इन ईयर डेबिट होगा 5,000, 1,000 शेयर्स पे 5 रुपए करके, बाकी जो बचेगा आप बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कॉल्स डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एसेट है, पैसा मिलना बाकी है। अब बैंक में ऑब्वियस उतना रुपया कम मिलेगा अपने को, तो 95,000 हो गया। उसी तरह आपका सेकेंड कॉल मनी भी 5 रुपए करके था, तो सेकेंड कॉल ड्यू होने का एंट्री आपका पहले इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, या सिर्फ इक्विटी शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी कितना होगा? 1 लाख। लेकिन दोस्तों इसके बाद वाली एंट्री में जब हम लोग एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलने वाला एंट्री, उसके बाद आपका कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, इस बार कॉल्स इन अरियर 1500 शेयर्स के ऊपर होगा, 1500, 1000 शेयर्स वाला बंदा जो फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, एंड सेकेंड कॉल के टाइम में एक और नया शेयर होल्डर 500 शेयर्स पे, वो भी फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं, टोटल 1500 शेयर्स पे हमारा सेकेंड कॉल मनी ड्यू रहेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, हमने सेकेंड कॉल अकाउंट के नाम से ही क्रेडिट किया बिकॉज हमने उसी नाम से डेबिट किया था। अगर फाइनल कॉल डेबिट होता तो हम यहाँ फाइनल कॉल के नाम से क्रेडिट करते, सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। 1500 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए करके नहीं मिलेगा, 7500, 1500 इंटू 5, ये एग्जाम में नहीं शो करने पे, समझने के लिए 1500 कैसे आया, 1000 प्लस 500, एंड बैंक में डेबिट कितना हो रहा हमारा, 92,500। इसके बाद क्या लिखा था, दीज 1500 शेयर्स में सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड बाय द कंपनी, सब्सिक्वेंटली मतलब सेकेंड कॉल के बाद अपन इन शेयर्स को फोरफिट कर ले रहे हैं। इन शेयर्स के ऊपर अपने को एप्लीकेशन का 5 रुपया, अलॉटमेंट का भी 5 रुपया टुवर्ड्स कैपिटल, प्रीमियम को 5 रुपया छोड़ दो, कैपिटल के लिए 5 और 5 10 मिल चुका है और 10 नहीं मिला है। फोरफिट चेक एंटर में इन बातों को ध्यान में रखना होता है। फोरफिट चेक मतलब जब्त कर लेना, कैंसिल कर देना। शेयरहोल्डर ने अभी तक जितना पैसा कंपनी को दिया है, कंपनी वो पैसा भी हजम कर लेता है, कंपनी अपने पास में रख लेता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर, ये 1500 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं इंटू 20 रुपीज करके, दैट इज हाउ मच, 30,000 डेबिट होगा टू कॉल्स इन अरियर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं किया हमने क्योंकि वो मिल चुका है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला तब डेबिट होता है। और कैसे मिल चुका, कैसे पता? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा दिया ही है ना बंदे ने, अलॉटमेंट मिला है मतलब प्रीमियम का पैसा मिल गया, इसीलिए प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं किए। टू कॉल्स इन अरियर, जितना रुपया पहले डेबिट हुआ है दोस्तों, 2 बार, एक बार 7,500 और एक बार 5,000, 12,500। टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, 1500 शेयर्स के ऊपर हमको कितना मिला हुआ है, तो याद रखिए 1000 शेयर्स वाले बंदे से, देखो सर वैसे तो बैलेंसिंग फिगर 17,500 आ जा रही है, लेकिन लॉजिकली जाए ना तो 1000 शेयर्स के ऊपर बंदे ने सिर्फ क्या दिया था, सिर्फ 5 रुपए एप्लीकेशन का, प्लस 500 शेयर्स वाले बंदे ने अपने को कितना दिया है, उसने दिया है 15 रुपया करके, हाँ या ना, क्योंकि उसने फाइनल कॉल का पैसा सिर्फ नहीं दिया है, आई एम सॉरी, 1000 शेयर्स वाले बंदे ने कितना दिया था, 10 रुपया दिया था। 1000 शेयर्स वाले बंदे ने कंपनी को एप्लीकेशन का 5 और अलॉटमेंट का 5, 10 रुपया दिया है ना, तो
हजार इंटू दस, प्रीमियम का पैसा तो लेंगे नहीं, प्रीमियम का पैसा अगर मिल चुका है तो फोरफिचर अकाउंट डेबिट भी नहीं होता है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी नहीं होता है, फोरफिचर अकाउंट क्रेडिट भी नहीं होता है। क्लियर? हजार इंटू दस, दस हजार प्लस ये 7500, 17500 कंप्लीट। क्लियर? ये था पहला। नेक्स्ट हम आते हैं 2016, पहला पेपर था 2015 का, 2016 में आया था, 2016 का पहला सम 6 मार्क्स वाला। डीके कंपनी लिमिटेड के बुक्स में 25 रुपया करके शेयर इश्यू किया गया था, 5 रुपया प्रीमियम, एप्लीकेशन में 10 रुपया अलॉटमेंट, 10 रुपया फर्स्ट कॉल पे मिला हुआ है, फर्स्ट कॉल मनी है 5 रुपया, फाइनल कॉल मनी है 5 रुपया, एप्लीकेशन मिला था 12,000 शेयर्स का। अपना स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है दोस्तों, अपने को शुरू कर देना चाहिए सम्स करना। हमारा सबसे पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे मैंने कहा था, अगर आपका किया हुआ है चैप्टर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, खुद करने के बाद वीडियो को प्ले करना, बार बार एक बात बोलता हूं आपको, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट वुड बी 12,000 इंटू 10, एप्लीकेशन मनी जितना मिला है, मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू द एप्लीकेशन मनी, दैट इज 1,20,000। क्लियर? एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने बोला था, मतलब रिफंड नहीं करना है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना जाएगा? 10,000 शेयर्स का, 10 रुपए करके पूरा नहीं जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रीमियम भी था इस सम्स में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। क्लियर? 10,000 शेयर्स का प्रीमियम मनी 3 रुपए करके है और 2 रुपए करके, इसका मतलब बाकी का क्या है, एप्लीकेशन में जो 10 रुपए है उसके अंदर प्रीमियम मनी 3 रुपए, तो बाकी का 7 रुपए, बाकी का 7 रुपए इज टुवर्ड्स कैपिटल। तो 10,000 इंटू 7, दिस इज 70,000 प्रीमियम में जाएगा आपका, 10,000 शेयर्स का 3 रुपए करके 30,000 एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आपका एक्स्ट्रा शेयर्स कितना आया था? 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा था आपका, इंटू 10 रुपए करके दैट इज 20,000। अलॉटमेंट में पूरा 10 रुपए एक साथ जाएगा, उसका ब्रेकअप नहीं जाएगा, लेकिन जितना शेयर्स अलॉट हो गया, जितना कंपनी शेयर्स लोगों को दे दे रहा है, अलॉट कर दे, उनके नाम से लॉटरी निकल गया बेसिकली, तो वो 7 रुपए करके उसमें कैपिटल में चला गया, 3 रुपए करके प्रीमियम में चला गया, क्योंकि बोला था 10 रुपए एप्लीकेशन मनी में 3 रुपए प्रीमियम का है। इसके बाद हमारी अलॉटमेंट में डी होने की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स है इंटू अलॉटमेंट मनी भी 10 रुपए, बट उसके अंदर प्रीमियम का 2 रुपए के, टोटल प्रीमियम था 5, उसमें से 2 रुपया अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ले रहा है, तो यहां तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो पूरा ही होगा ड्यू का एंट्री में टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
कैपिटल में 8 रुपया करके चला जाएगा, प्रीमियम में 2 रुपया करके 10,000 शेयर्स पे। एंड दोस्तों याद रखना, हमारा एप्लीकेशन वाले स्टेज में भी कैपिटल एंड प्रीमियम को जो सेग्रीगेट करते हैं, ये इस ड्यू वाले एंट्री में, ट्रांसफर वाले एंट्री में करते हैं, पैसा मिलने वाले एंट्री में नहीं करते, ड्यू वाले एंट्री में किया जाता है। वैसे ही अलॉटमेंट वाले स्टेज में ड्यू वाले एंट्री में होते हैं, पिछले साल वाले पेपर में आपको समझाए थे। अब देखो आप, अलॉटमेंट नहीं मिलने की एंट्री क्या होगा, कॉल्स इन अरियर तो हमारे पास सिर्फ फाइनल कॉल में जाके, उसके पहले तो कुछ है ही नहीं, तो अलॉटमेंट इस सराफत से मिल जाएगी पूरी। लेकिन जब मिलेगी ना, आपको ध्यान में क्या रखना पता है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो आपने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करके अपने पास में रख लिया था, शेयर होल्डर्स को नहीं लौटाया था। दोस्तों बात समझना, यहां 20 से पहले क्रेडिट किए थे, यहां 1 लाख अपन ने भी डेबिट करे ड्यू का एंट्री में, बट पहले से हमारे पास 20,000 रखा हुआ था, अलॉटमेंट पहले से क्रेडिट था, तो माइनस से कितना बचा 80,000। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट कितना लेंगे आप, 80,000। क्लियर दोस्तों? इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री पास करेंगे आप। फर्स्ट कॉल मनी आप देख लो कितना रुपया था, 5 रुपया, फाइनल कॉल मनी भी था 5 रुपया। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इस एंट्री को बार बार बोलो, क्या बोलते हैं, ड्यू का एंट्री बोला जाता है, राइट ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स इंटू 5 रुपया कितना हो गया, 50,000। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मनी मिलने के एंट्री, अगेन सेम 50,000। अब आपका सेकेंड कॉल ड्यू का एंट्री, तो 50,000 से ही होगा, 10,000 इंटू 5, इन सेकेंड को मिलते टाइम में 1,000 शेयर्स पे कॉल मनी नहीं मिला, तो आपका इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, या आप उसको फाइनल कॉल भी डेबिट लिख सकते हो, 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल में 50,000, कॉल्स इन अरियर आपका कितना डेबिट होगा, मैंने क्या बोला, जितना नहीं मिला 1,000 शेयर 5 शेयर, तो 5,000 बैंक में हमारा डेबिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 45,000, 6 मार्क्स जेब में। क्लियर है? नेक्स्ट समय आते हैं यार, 2016 में 4 मार्क्स, आपको पता होगा एक 4 मार्क्स वाला वैरायटी में आता है, एक 6 मार्क्स वाला वैरायटी में, नॉर्मली हर साल यही 10 मार्क्स का सम्स आता है। 4 मार्क्स वाला वैरायटी में क्या बोला, फोरफीचर रीइशू, विजया लिमिटेड फोरफीटेड 200 शेयर्स विद स्टेन इज फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप है, पेंसिल आप यूज कर सकते हो, एग्जाम एंडर एंट्री ये ना समझा जरूर, फुल्ली कॉल्ड अप मतलब उससे पूरा कॉल हो चुका है, क्यों फोरफिट कर रहे हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी रुपीज 3 पर शेयर, 10 रुपये में से बंदे ने 3 रुपया नहीं दिया है, तो बंदे ने दिया कितना है, 7 रुपया। तो स्टार्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फोरफिचर के एंट्री, बिकॉज क्वेश्चन में अपने को यही बोला है कि बस ये एंट्री पास करनी है, फोरफिचर के एंट्री और एक एंट्री री इशू का, ये शेयर सब 8 रुपये के भाव में री इशू कर दे रहे हैं, दैट्स इट। और तीसरी एंट्री आपको होता है प्रॉफिट ऑन री इशू को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री, एक फोरफीचर, एक री इशू और एक कैपिटल रिजर्व। वीडियो को एंड तक देखना, सारे सम्स को सॉल्व करना, दरकार पड़े पॉज करके सॉल्व करके फिर वीडियो देखो, और नहीं आता पूरा वीडियो देखो आप, लेकिन लास्ट तक पूरा देखना, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बोर्ड में 10 नंबर का पूरा पक्का है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वुड बी 2,000 टू
calls in arrear account to share forfeiture account. दोस्तों calls in arrear 200 shares के ऊपर 3 रुपया करके 6000 to share forfeiture. Sorry, this is 600, not 6000. Right? To share forfeiture account would be 1400. 200 shares पे कितना रुपया करके 7 रुपया करके. Simple. ये bracket वाला information exam में दिखा मत देना, तो just अपने समझने के लिए है. इन सारे शेयर्स को हम लोग 8 रुपए में रीइशू कर दे रहे हैं. 8 रुपए में रीइशू कर रहे हैं मतलब क्या है, एज फुल्ली पेड अप रीइशू कर रहे हैं मतलब क्या है, अब सामने लोग शेयर दे रहे हैं 10 रुपए का, 8 रुपए लेके मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं. रीइशू में डिस्काउंट अलाउड है, फ्रेश इश्यू शेयर्स में डिस्काउंट नहीं होता है. एमसीक्यू आ जाए अगर कि फ्रेश इश्यू शेयर्स में डिस्काउंट का रेट मैक्सिमम कितना है, निल. फ्रेश इश्यू में रीइशू डिस्काउंट पे होता है. तो बैंक में डेबिट होगा 8 रुपए करके पर शेयर, और जितना डिस्काउंट देते हैं वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट होता है, याद रखना दोस्तों. सो माय नेक्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट. री इशू के टाइम में कंपनी के पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है. 200 इंटू 8 1600 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 2 400 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी कैपिटल में पूरा 2000, 200 इंटू 10. दोस्तों लास्ट एंट्री याद रखिएगा हमेशा, फॉरफीचर का जब सम्स होता है ना एंड री इशू भी जब हो जाता है, तो री इशू के बाद अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को री इशू करके, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. एंड कैपिटल रिजर्व इज सिंपल ऐसे सम्स में जिसमें सारा शेयर्स रीइशू हो जाता है. सारा शेयर जब रीइशू हो गया ना, सारा मतलब जितना फोरफिट हुआ था, जितना फोरफिट जब सारा रीइशू हो गया ना, बहुत सिंपल, टोटल पहले जितना क्रेडिट हुआ माइनस जितना डेबिट हुआ, दैट इज 1000 कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे. दैट्स इट, हो गया आपका 4 नंबर जेब में. एंड विद दिस 2016 का पेपर भी कंप्लीट. 2017 का पेपर अपना, 2017 के पेपर में हमें क्या दिया था कि 20,000 शेयर्स कंपनी इशू किया था, एप्लीकेशंस रिसीव हुआ था 23,000 शेयर्स का, 3,000 शेयर्स का एप्लीकेशन हमने रिफंड कर दिया. क्लियर? सबसे पहला एंट्री हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 23,000 शेयर्स इंटू 4 रुपया करके एप्लीकेशन बनी, राइट? सो बैंक टू एप्लीकेशन में हमारा कितना चला गया, 92,000. उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड हमें क्या लिखा था कि हम एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दे, 3,000 शेयर्स का जो पैसा था वो रिफंड, तो बैंक अकाउंट वापस आपका क्रेडिट हो जाएगा. कितना से? लेकिन 3,000 इंटू 4 12,000. कैपिटल में हमारा कितना जाएगा, 80,000. एप्लीकेशन में कितना डेबिट होगा हमारा, 92,000. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू होने का एंट्री आता है. दोस्तों इस एंट्री के बाद होती है अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री, दैट इज इक्विटी शेयर. मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, फुल फॉर्म्स लिखना है आपको. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. क्लियर? हमारा अलॉटमेंट दोस्तों 5 रुपया करके था, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का है. क्लियर? तो अलॉटमेंट में डेबिट होगा 1,00,000. कैपिटल में कितना आएगा, 60,000. प्रीमियम में हमारा 40,000.
अलॉटमेंट में कोई भी अरियर नहीं था, सिर्फ 1000 शेयर्स पे कॉल पे जाके अरियर था। तो अलॉटमेंट मनी मिलने के एंड इज अगेन सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। क्लियर। के बाद कॉल मनी ड्यू होने के एंट्री, कॉल मनी कितना रुपया करके है, 3 रुपया करके कॉल मनी ड्यू के एंट्री। अब तो फटाफट कॉन्फिडेंस आ गया होगा यार, अपने आप खुद भी कर रहे हो ना। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट मेक करने से पहले आपका हो जाना चाहिए, और अदर अगर खुद का किया हुआ तो सारा राइट आना चाहिए। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इन वीडियो से कितना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है वो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में लिख देना, वीडियो सही मायने में यूजफुल है या नहीं है। इक्विटी कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना होगा, 60,000। क्लियर। आपका 20,000 शेयर्स 3 रुपया करके और 1000 शेयर्स पे अब अरियर रहेगा। तो यस, अब आपका नेक्स्ट एंट्री सोचो फटाफट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। कॉल अकाउंट में क्रेडिट होगा 60,000, कॉल्स इन अरियर में आपका 1000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके 3,000। आपका बैंक में डेबिट कितना हो जाएगा, 57,000। दैट्स इट। क्लियर। नेक्स्ट, ये हमारा सम्स यहीं पे कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को 4 फीचर करने नहीं बोला था। दैट्स इट, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो नरेशन देने का भी झमेला खत्म। 2017 का ये पेपर हो गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखता है, जेड लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स विद 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 2 रुपया, 10 शेयर्स इशू किए 2 रुपया, 5 रुपया अलॉटमेंट में, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे। अ शेयरहोल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वेयर इश्यूड टू मिस्टर सेन एट रुपीज 9 पर शेयर। 5 जनरेट इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन नहीं चाहिए। तो का सबसे पहला एंट्री क्या पास करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अपना कितना हो जाएगा, 20,000 पहली एंट्री। दूसरी एंट्री आप क्या पास करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शॉर्टकट एग्जाम में नहीं है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, ऑब्वियसली पूरा का पूरा ही 20,000। उसके बाद 5 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम था तो 3 रुपया कैपिटल का था, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होने का एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है 50,000, टू कैपिटल इज 30,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 20,000। इसके बाद 500 शेयर्स वाला आदमी सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा तो पूरा ही मिला आपको। अलॉटमेंट का पैसा मिलने का एंट्री आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000, पहले ड्यू का एंट्री, फिर पैसा मिलने का एंट्री, बहुत सिंपल है। फिर कंपनी कॉल करता है, कॉल मनी आपका 3 रुपये करके आपने देखा है, 3 रुपये करके फर्स्ट कॉल है, 2 रुपये करके फाइनल कॉल है, फर्स्ट कॉल पे कोई एरियर नहीं है। सो बहुत फटाफट अब आप फर्स्ट कॉल के एंट्री समझ सकते हैं कि फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट
पैसा मिलने का एंट्री, हर स्टेज में दो एंट्री अपनी, राइट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना रुपया, 30,000। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करेंगे आप, फाइनल कॉल ड्यू के एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल ड्यू कितना से करेंगे आप, 20,000 से, लेकिन आप याद कीजिए सेकंड कॉल मनी आपको 1,000 शेयर्स पे नहीं मिल रहा था, नहीं 500 शेयर्स पे, सॉरी 500 शेयर्स प्रॉफिट भी करेंगे, रीइश्यू करेंगे सिर्फ 300 शेयर्स 9 रुपए करके। एनीवेज पहले आप 500 शेयर्स पे कॉल मनी नहीं मिल रहा, बाकी शेयर्स पे तो मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन पेपर सामने रखिएगा बिकॉज क्वेश्चन में बार बार स्क्रीन पर नहीं रख पा रहा हूं, क्वेश्चन सामने रख के करना, नहीं तो सिर्फ कॉपी करना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, स्क्रीन पे नहीं रख पा रहा हूं बार बार मैं क्वेश्चन पेपर को। सो दिस 20,000, इस बार आपका कॉस्ट सिनेरियो कितना होगा, 1,500 × 2 हमारा बैंक में डेबिट कितना हो जाएगा, 19,000। अब ये 500 शेयर प्रॉफिट होंगे, फो फीचर का एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से होता है, दैट इज 5,000, 1,000 × 5, क्लियर, सॉरी 500 × 10, 500 शेयर्स इंटू 10 टू कॉल्स इन अरियर 1,000 रुपये हो रहा है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जितना पैसा मिल चुका है तो ऑब्वियसली 4,000 है, कैसे 500 शेयर्स पे कितना मिला दोस्तों अपने को, 8 रुपया। ये ब्रैकेट वाला अभी जरूर लिखना आप, राइट, नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये तो दिक्कत हो जाएगी समझने में। उसके बाद आपकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान से, हम लोगों ने रीइश्यू सिर्फ 300 शेयर्स किया है, 300 × 9 = 2,700। दोस्तों ये ब्रैकेट वाला अभी जरूर लिखना। 1 रुपए जो डिस्काउंट दिए हैं वो डिस्काउंट शेयर फॉरफिट अकाउंट में डेबिट होता है, दैट इज 300, टू शेयर कैपिटल इज 3,000। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है 300 × 10, कैपिटल अकाउंट में तो पूरा कॉल्ड अप अमाउंट जाता है जितना अभी तक जिस वैल्यू पे शेयर को रीइश्यू करे कॉल्ड अप वैल्यू पे। आप एक बार समझना, फॉरफिट अकाउंट में अभी ना अपने सारा शेयर रीइश्यू नहीं किए ना, तो कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा वो बता रहा हूं। फॉरफिट अकाउंट में पहले एक एक शेयर पे हमें फायदा हुआ था, कंपनी को फायदा हुआ था, कंपनी ने क्रेडिट किया था 8 रुपया, और फिर कंपनी ने एक एक शेयर पे डेबिट कितना किया दोस्तों, 1 रुपया। तो जब सारे शेयर रीइश्यू नहीं होते हैं तो कैपिटल रिजर्व आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। एंट्री तो याद होगी पहले के सम्स में भी था, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बट दिस बी हाउ मच, 300 शेयर्स इंटू 8 - 1, 300 शेयर्स पे 8 - 1 = 7 रुपया करके, दैट इज 2,100। इसको आप थोड़ा स्टामक मार के रख लेना ये सम्स का इस पार्ट को, एंड ये जैसे हाईलाइट किया हो ना, ये हाईलाइट करके ये कैलकुलेशंस को जरूर से आप अपने कॉपी में भी हाईलाइट कर लेना, रिविजन टाइम में बहुत काम आएगा ये, राइट। सो ये हमारा 17 कंप्लीट। तो सपना अगला 2018 का, 2018 में क्या था, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का सम्स आ गया था, जो कि हमने डिबेंचर्स वाले वीडियो में भी किया है, राइट। इसको भी आप अपने लिए टारमार्क मार के रखें अपने कॉपी में, बहुत काम आएगा आपको ये। गेट अ लिमिटेड परचेस मशीन फॉर पीस 1,10,000 फ्रॉम इंपेक्स लिमिटेड, परचेस प्राइस कैसे पे किया है, बाय इशू इक्विटी स्टेन ईच एट अ प्री रुपीज ऑफ 10%, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड कैसे आएगा दोस्तों,
110,000 डिवाइडेड बाय 11 क्यों? क्योंकि 10 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम 10 प्लस है कि 11 इश्यू प्राइस पर शेयर है 11, तो उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ इक्विटीज कितना आ जाएगा 10,000 शेयर्स। एंड हमको क्या बोला था, जनरल इंडेक्स इन द बुक्स ऑफ गेटवेल लिमिटेड, तो इन द बुक्स ऑफ गेटवेल लिमिटेड, इंपेक्स के बुक्स में नहीं कर रहे हैं आप कर रहे हैं किसके बुक्स में, आप इंपेक्स बुक्स में नहीं कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ गेटवेल लिमिटेड, तो इन द बुक्स ऑफ गेटवेल लिमिटेड ऊपर में रहेगा। सबसे पहला एंट्री आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू इंपेक्स लिमिटेड वेंडर, वेंडर का नाम आता है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू इंपेक्स लिमिटेड 110,000। एंड उसके बाद इंपेक्स लिमिटेड को जब शेयर्स इश्यू कर दे रहे हैं तो इंपेक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट नहीं रहा आप तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 110,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में 100,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 हो गया हमारा जनरल एंट्री 2018 में हमारे चार नंबर हमारे जेब में। अब 2018 का 6 मार्क्स वाला सम दीपावली लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ हिज 10 ईच एट अ प्रीमियम ₹2 पर शेयर, द शेयर प्राइस इज पेड इन द फॉलोइंग वेज, एप्लीकेशन में ₹3, अलॉटमेंट में ₹6, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब कैपिटल का है 4, प्रीमियम का है 2, फर्स्ट कॉल पे आपका ₹3 है, नहीं सॉरी फाइनल कॉल पे है ₹3, तो 3 और 4 7 और 3 10 पूरा कंप्लीट। एप्लीकेशन मिला था 12,000 का, 2,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है वो आपने रिफंड कर दिया है, 100 शेयर्स पे एक बंदे ने फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट मनी के साथ ही दे दिया, दैट इज इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, इसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं, क्लियर। बाकी सारा पैसा आराम से मिला है, जर्नल एंट्रीज बनाने बोला है इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ दीपावली लिमिटेड। सो द एंट्रीज क्या क्या करेंगे आप, सबसे पहले यस यस सोचिए सोचिए खुद सोचिए, पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यार अब तो चैंपियन हो गए होंगे ये सब एंट्रीज में, तो 10,000 शेयर्स के ऊपर में कितना रुपया करके मिलेगा आपको, ₹3 करके, सो दैट इज 30,000, यही कह रहे हैं गलत, 12,000 शेयर्स, हमारा शेयर 10,000 आपने इशू किया है, यस 12,000 का मिलेगा, सो दैट विल बी 36,000, 10,000 से नहीं होगा, एप्लीकेशन में कितना मिला था 12,000 शेयर्स का मिला था। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, तो 10,000 का ₹3 करके कैपिटल में चला गया 30,000, रिफंड हो जाएगा आपका 2,000, तो यहां तक क्लियर है एकदम आपको। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हम लोग अभी पूरा सब कुछ शॉर्ट में लिख रहे हैं आपको, लेकिन पूरा एट लेंथ पूरा लिखना होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आपका 60,000, 10,000 इंटू 6, उसमें से कैपिटल में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4 40,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 2 20,000। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इसमें कॉल्स इन एडवांस भी था, अब भूलना मत, एक बंदे ने 100 शेयर्स के ऊपर में कॉल मनी एडवांस में दिया था, तो टू इसमें नहीं, बैंक वाले एंट्री में, बैंक वाले एंट्री पैसा मिलने वाले एंट्री में कॉल्स एडवांस आएगा, जैसे कॉल्स इन अरियर कॉल्स एडवांस जैसे बैंक वाले एंट्री में आता है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
equity share allotment account, 2 calls in advance. अगर कोई shareholder पैसा नहीं देता तो calls in यहां पे debit होता, किसी ने एडवांस में दिया है तो कॉल्स एडवांस अकाउंट यहां पे क्रेडिट होगा, यहां मतलब बैंक वाले एंट्री में, ड्यू वाले एंट्री में मत कर देना उसको, तो बैंक में डेबिट हो गया 60,300। अब आपका फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा 3 रुपया करके, फाइनल कॉल मनी था, ड्यू का एंट्री पूरा सही होगा, भले ही आपको एडवांस में मिल चुका है, ठीक है ना, ड्यू का एंट्री पूरा सही पास होता है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू का एंट्री पूरा 30,000 से ही पास होगा। मैंने कहा था क्वेश्चन पेपर आप अपने पास में रखो, ठीक है, स्क्रीन बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे, आपके सामने पेपर आएगा आपको समझ में अच्छे से आएगा, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। एंड दोस्तों ऐसा नहीं कि वीडियो अब से आ गया अब तो याद है, एग्जाम के एक दिन पहले देख लेंगे, ऐसा मत करना, अभी से सारे वीडियोस को देख लो, नोट कर लो, एग्जाम के दिन रिवीजन के लिए काम में ले सकते हो भले अभी से, लेकिन वीडियोस को अच्छे से कर लेना जरूरी है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस जो पहले क्रेडिट हुआ था ना वो यहां डेबिट होके एडजस्ट हो जाता है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में क्रेडिट होगा 30,000, कॉल्स एडवांस में डेबिट होगा 300, बैंक में आपका आ जाएगा माइनस करके 29,700। कंप्लीट, आपका 6 नंबर आपके जेब में, क्लियर। हाँ, इस समय आप एक काम जरूर से करना, ये कॉल्स एडवांस वाले पोर्शन को आप स्टार मार के रखना कॉपी में अच्छे से, सो दैट रिविजन दिन याद रहे कि हाँ यार कॉल्स एडवांस यहां क्रेडिट होता है, यहां डेबिट होता है, काम खत्म। 2019 में क्या लिखा है, पी लिमिटेड हैज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर, डायरेक्टर्स ने 500 शेयर्स फोरफिट किए, क्यों फोरफिट किए, क्योंकि वो फेल किया था, क्या फेल किया था, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, फाइनल कॉल 3 रुपए का पे करना, 3 और तो 5 रुपए कॉल्स इन अरियर, मतलब उसने कंपनी को दिया कितना है 5 रुपया, डायरेक्टर्स ने फोरफिट किया, फिर डायरेक्टर्स ने यही 500 शेयर्स रीइशू कर दिए 8 रुपए करके, फोरफिशर रीइशू का इंटरेस्ट पास करने बोला है, 4 मार्क्स का संस्था ये, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपना फोरफिचर कैंटर में कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है 500 शेयर्स इंटू 10 रुपया 5,000, टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर में दोस्तों 2,500 इंटू 5 रुपया, जो नहीं दिया वो वही सेम जितना दिया है 5 रुपए दिया है उसने, कि 10 में से 5 नहीं दिए तो 5 दिए, और जितना मिला है वो शेयर फोरफिट अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये शेयर हमने रीइशू कर दिए 8 रुपया में, बैंक अकाउंट डेबिट 500 into 8 4,000, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 500 into 2,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000, एंड याद है सारे शेयर्स रीइशू हो गए, सारे शेयर्स जब रीइशू हो गए हैं तो फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा, फोरफिचर डेबिट कैपिटल रिजर्व में हमारा फोरफिचर ने पहले कितना क्रेडिट हुआ है माइनस कितना डेबिट, यहां पर शेयर कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, और जैसे हम लोग ये बॉक्स कर रहे हैं ना, आप भी रेड कलर का पेन रखकर इसको आप हाईलाइट कर लो, आप
ताकि आपको ये समझ में दिक्कत नहीं होगी कि फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व 1,500 रुपया सर कैसे लाए थे। क्रेडिट माइनस डेबिट, टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट कर सकते हैं अपने, क्लियर हो? ये चार नंबर। फिर आपके जेब में अब आता है 2019 का ही 6 मार्क्स वाला सम्स अपने, राइट? ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ फर्स्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज करके खुद किया होगा, आप चेक कर लो। आप जैसे मैंने पहले के वीडियोस में कहा, खुद करोगे तो खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस अब हम एग्जाम देने लायक हैं, अपीयर करने लायक है, रादर हम अच्छा मार्क्स स्कोर करने लायक बन गए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किया होगा आपने, एप्लीकेशंस मिला था 20,000 शेयर्स का, इशू किए थे 15,000, एक्स्ट्रा मनी हमने रिफंड कर दिया। तीन बातें इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखनी। तो 20,000 शेयर्स का 2 रुपया करके दोस्तों आपको मिला कितना है, 40,000। फिर आपका नेक्स्ट एंट्री आपने क्या किया, चेक करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन में डेबिट 40,000, बैंक में कितना जाएगा, 5,000 शेयर्स का 2 रुपया करके आप रिफंड कर देंगे। मैंने फिर कहा ये ब्रैकेट वाला हम लोग अपने लिए करते हैं, राइट? अब 15,000 शेयर्स का 2 रुपया करके 30,000 कैपिटल में चला जाएगा। एप्लीकेशन दोनों स्टेज के बाद में नेक्स्ट स्टेज आपने क्या किया है, अलॉटमेंट वाला स्टेज। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, आप देखिए अलॉटमेंट में प्रीमियम था 2 रुपया, तो 3 रुपया कैपिटल का है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्लियर? तो 15,000 शेयर्स का 5 रुपया करके अलॉटमेंट में डेबिट होगा, कैपिटल में 15,000 शेयर्स का 3 रुपया करके 45,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 15,000 शेयर्स का 2 रुपया करके 30,000, ब्रैकेट में लिख देना अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो। अलॉटमेंट के टाइम में कोई अरियर मनी नहीं था। अगर आप क्वेश्चन को फॉलो किए हो, क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार और आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं। अरियर हुआ था कॉल पे, ये शेयर्स फोरफिट हो गए थे, ये 1,000 शेयर में से हमने रीइशू किया था 600 शेयर्स। मैं क्वेश्चन सामने लेके बैठा हूं, आप भी अपने सामने रखिएगा। तो अलॉटमेंट मिलने वाले एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 75,000। उसके बाद कॉल, एक ही कॉल था तो जस्ट इक्विटी शेयर कॉल वर्ड भी चलेगा, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल टू कैपिटल हमारा कितना होगा 75,000, 15,000 शेयर्स का 5 रुपया करके, क्लियर? 1,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला था तो बैंक अकाउंट डेबिट calls in earlier account debit to equity share call account, call में 75,000, calls in earlier में 1,000 shares का 5 रुपया करके 5,000, bank में debit आपका 70,000। अब ये 1,000 shares सिंस फाइनल कॉल नहीं मिला था, हम लोग फोरफिट कर रहे थे, फोरफिचर का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1,000 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं 10 रुपया करके, तो 10,000 रुपया डेबिट हो जाएगा। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट जो आपने डेबिट किया था वो क्रेडिट हो जाएगा, बाकी पैसा मतलब मिल चुका है, जो मिल चुका है वो शेयर फोरफिचर अकाउंट में क्रेडिट किया होगा आपने 5,000। अब इसमें से आप याद रखिए एक बार, यहां पे 1,000 इंटू फोरफिचर अकाउंट में कितना रुपया गया है, 5 रुपया,
ये क्यों करने बोले हैं? क्योंकि पार्ट रीशू है, सारा शेयर्स रीशू नहीं हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयर्स पे 8 रुपया करके 4,800। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 600 शेयर्स पे 2 रुपया करके 1,200। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 600 शेयर्स पे 10 रुपया करके 6,000। लास्ट एंट्री फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, वो कैसे होगा? फोरफीचर अकाउंट पहले पर शेयर क्रेडिट अपने किया था 5 रुपया, बाद में पर शेयर अपने डेबिट कितना किया था? 2 रुपया। क्लियर? सो दोस्तों लास्ट एंट्री हमारी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, ऐसा सम्स पहले भी आया था ईयर में, टू कैपिटल रिजर्व। एंड हमेशा ध्यान में रखना क्रेडिट से डेबिट ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब कंपनी ना जितना पहले मिला था उससे बेसिक डिस्काउंट नहीं दे सकता है। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं, आपको एमसीक्यूज वाले वीडियो में उनका सॉल्यूशंस भी मिलेगा। सो फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाला हमारा वर्किंग्स कैसे होगा? 600 शेयर्स इंटू 5 माइनस 2, 5 रुपए पर शेयर पहले क्रेडिट बाद में डेबिट, बचा 3 रुपए का प्रॉफिट। तो 3 रुपए के हिसाब से 600 शेयर्स पे 1800 रुपए चला गया कैपिटल रिजर्व में, 6 नंबर आ गया आपके खाते में। क्लियर? 2019 ओवर। 2020 और 21 में कोरोना की वजह से एग्जाम्स नहीं हुए थे, अब आ गया 2022 वाला ईयर। 22 वाले ईयर में देखिए आप, कंपनी ने इशू किया था 3000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए ईच का था, 2 रुपए प्रीमियम था, एप्लीकेशन में 3 रुपया प्रीमियम पे, अलॉटमेंट में 5 रुपया जिसमें 2 रुपए प्रीमियम का था, 4 रुपए कॉल। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए थे, सब पे पैसा मिल गया था, एक्सेप्ट राम होल्डिंग 50 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट स्ट्रेस इसलिए दिए हैं कि अलॉटमेंट के टाइम में प्रीमियम था, बंदे ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। ऐसे केस में जब शेयर्स प्रॉफिट होता है प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाता है, प्रीमियम अकाउंट को अपने को डेबिट करना पड़ता है, प्रीमियम का पैसा डेबिट होगा अगर नहीं मिला है तो यहां पे डेबिट होगा। उसके बाद उसका शेयर्स प्रॉफिट हो गया था, जादू को रीशू कर दिए थे एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। पूछा क्या है? फोरफीचर एंड री इशू का इंटरेस्ट, मतलब वही तीन एंट्री, फोरफीचर एक रीशू और एक कैपिटल रिजर्व। चाहो तो खुद करो, मजा आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 शेयर्स इंटू 10 रुपया, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है, जितना कॉल्ड अप है पूरा उतना अमाउंट से डेबिट होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा यहां पे, 50 शेयर्स का 2 रुपए करके प्रीमियम डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि नहीं मिला था। 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर 50 शेयर्स के ऊपर 5 और 4 9 रुपया करके नहीं मिला है, 450। 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, 50 शेयर्स पे क्या मिला हुआ दोस्तों? सिर्फ 3 रुपया करके, तो 150। क्लियर? ये सारे शेयर्स हमने रीइशू कर दिए 2 रुपए डिस्काउंट पे, मतलब क्या है? मिला कितना है? 8 रुपया। तो रीइशू का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 50 इंटू 8 400। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 50 इंटू 2 100। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50 इंटू 10 500। एंड सिंस सारे शेयर्स इश्यू हो गए तो फोरफीचर का क्रेडिट माइनस डेबिट हमारा बहुत इजी कैलकुलेशन में, कोई ट्रिक्स में नहीं जाना है। क्रेडिट माइनस डेबिट इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक
फॉरफेचर टू कैपिटल रिजर्व कितनों का अपने आप राइट हो रहा है, राइट हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, एंड ये जरूर से लिखना एटलीस्ट कि सर बेनिफिट मिला, फायदा हुआ या नहीं हुआ, या क्या चाहिए जिससे आपका और भला होगा, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख देना। दोस्तों को वीडियो जरूर से शेयर करना लेकिन, ताकि उनका भी भला हो जाए, बिकॉज बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियोस खोजते हैं उन्हें नहीं मिलता है डब्ल्यू बी का सोल्यूशंस, राइट। नेक्स्ट, 2022 में ना 3 क्वेश्चन आ गए थे पता नहीं कैसे, तो 2022 का हमारा एक और पेपर क्वेश्चन ये कि 50,000 शेयर इशू है 10 रुपए इच का, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपए कॉल, 52,000 का पैसा मिला था, एप्लीकेशन मतलब एक्सेस 2,000 रुपए रिफंड कर दिया, जर्नलिस्ट बोला है बहुत बेसिक, राइट। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, एंड मैं चाहूंगा पूरा ये सम सब अपने आप वीडियो पॉज करके रहें, क्योंकि कोई कॉल स्टडियर नहीं है, कोई फॉरफेचर नहीं है, कोई री इशू नहीं है दोस्तों, डू इट योर सेल्फ, एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में हाँ सर करके मजा आया, राइट हुआ था। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपका 52,000 × 3, 1,56,000 एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आप लोग का वक्त जाहिर नहीं करना है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल आउट तो पूरा कर रहा हूं बट लिख रहा हूं शॉर्ट में, 2,000 शेयर का पैसा रिफंड हुआ है तो चेक करते रहो, कैपिटल में 1,50,000, फिर आपने क्या किया है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया, कोई प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वो आप कितना किए हैं, वो भी 1,50,000, फिर आपने क्या किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 1,50,000, फिर क्या किया आपने, मैं यही बगल में कर दे रहा हूं, इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो आपका 2,00,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल 2,00,000। दोस्तों इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, फायदा होना चाहिए आपको, फायदा हो रहा है या नहीं एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि हमें अपना मोटिवेशन मिलता रहे। उसके बाद नेक्स्ट 2022 का एक और क्वेश्चन जो आया था, इसमें 15,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किया था, 100 रुपए ईच का है, 10% प्रीमियम पे, एप्लीकेशन में 25 रुपया, अलॉटमेंट 50 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड 35 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो आपका 10 रुपया अलॉटमेंट में कैपिटल का है, सॉरी प्रीमियम का है, 40 रुपए कैपिटल का है, एप्लीकेशन मिला था 15,500 का, 500 का आपने रिफंड कर दिया है, बाकी लोगों को फुल अलॉटमेंट, सब पे पैसा मिल गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 शेयर्स पे नहीं मिला, फॉरफिट हो गया, उसमें से 150 शेयर्स रीश हो गया, मतलब पार्ट रीशू है, लेकिन ये वैरायटी हमारी पूरी की हुई है, आप चाहो तो खुद कर सकते हो, नहीं तो मैं हूं लेता, खुद करो फिर चेक करो मजा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पंद्रह हजार 500 × 25 रुपया 387,500, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड दोस्तों प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स एग्जाम में नहीं निकल जाए, आपसे पूरा लिखना है आपको, 500 शेयर्स का 25 रुपया करके तो रिफंड हो जाएगा आपका, तो 12,500, राइट, और 15,000 शेयर्स का
पच्चीस रुपये करके 375,000 अब कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। इसके बाद एंट्री मैं यहां बगल में कर दे रहा हूं प्लीज, राइट, ताकि आपको भी स्क्रीन पे पेपर आपके सामने ही रहे। नेक्स्ट एंट्री हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू के एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट डेबिट 15,000 इंटू 50 750,000, कैपिटल में 40 रुपया करके 6,00,000, एसपीआर में 10 रुपया करके 1,50,000। अरियर हमारा सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे था, मतलब अलॉटमेंट का पैसा तो पूरा ही मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, डेढ़ लाख, ये हो गए चार एंट्रीज। अब आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री आप क्या किए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 35 रुपया करके था, राइट, तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 35 525,000। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। इस बार कॉल सिनेरियर आपका 200 शेयर्स पे 35 रुपया करके 7,000, तो बैंक में आपका डेबिट 5,18,000 माइनस करके। ये शेयर्स फोरफिट हो जा रहे हैं, इनका फोरफीचर का एंट्री, ये शेयर्स जब फोरफिट हो गए दोस्तों, इसका फोरफीचर का एंट्री आप क्या किए हैं, नहीं किए हैं तो देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 100 रुपया 20,000। अलॉटमेंट के बाद फेल हुआ, प्रीमियम तो अलॉटमेंट में था तो प्रीमियम अकाउंट तो डेबिट करेंगे नहीं आप। टू कॉल्स इन अरियर, कॉल से देखिए आपने डेबिट कितना किया था 7,000, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट ऑब्वियसली 13,000, बट ये 13,000 आया कैसे दोस्तों, वैसे दोस्तों बोलेंगे इसे माइनस करके आ गया, 200 इंटू 65, वाई 65, क्योंकि एप्लीकेशन मनी अपने को मिला है 25 रुपया करके और अलॉटमेंट मनी मिला है 40 रुपया करके, ये इस 65 का ब्रेकअप है। ब्रेकअप चाहिए क्योंकि इस समय री इशू सारे शेयर्स नहीं हुए हैं, सिर्फ 150 शेयर्स री इशू हुए थे। तो री इशू एंट्री आपने क्या किया दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं किया तो कॉपी कर सकते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट 150 इंटू 105 15,750। अब इस सम में आपने जो रीशू किया है 105 में रीशू किया है, 100 रुपया का फेस वैल्यू का शेयर है, आपने 105 में रीशू किया है, मतलब प्रीमियम पे रीशू किया है, ये आपका पहला सम्स है जिसमें प्रीमियम पे री इशू हो रहा है, री इशू एट अ प्रीमियम, लिख लेना कॉपी में स्टामक मार करके, याद रखें एग्जाम में रिवीजन के टाइम, टू एग्जाम से पहले जब रिवीजन करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ इस समय री इशू प्रीमियम था, कैपिटल में तो 15,000 और री इशू जो प्रीमियम पे होता है दोस्तों तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाता है 150 इंटू 5 आपका 750 रुपया प्रीमियम में चला गया। अब आ रही बात लास्ट एंट्री, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 150 शेयर्स इंटू 65 माइनस जीरो, क्यों
क्योंकि री इश्यू टाइम में डेबिट तो कुछ किए नहीं ना, री इश्यू के टाइम आपने कुछ डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है, तो माइनस जीरो, 65 रुपीस जो डेबिट हुआ था, जो क्रेडिट हुआ था बस उतना सही, तो 150 इंटू 65, क्योंकि डिस्काउंट कुछ दिए नहीं है, तो हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जा रहा है 9,750। तो लिख लेना हेडिंग रीइश्यू डेटा प्रीमियम, एंड इस पोर्शन को स्टार मार्क मार लेना, इस पोर्शन को भी स्टार मार्क मार के रख लेना, तो यह 22 समर कंप्लीट, ये 6 नंबर पीछे में आ गया। अब लास्ट 2023, तो यह 23 में पहला सम हमारा सिर्फ फोर फीचर एंड री इश्यू का है, क्लियर। तो इस फोर फीचर री इश्यू में क्या है कि 5,000 शेयर्स मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया था, 10 पेज का शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम पे इशू हुआ था, एप्लीकेशन 3 रुपया था, अलॉटमेंट में 6 रुपया था इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये सब उसने दे दिया था, बैलेंस अमाउंट नहीं दिया था। तो दोस्तों दो तरीके से 10 प्लस 2 12 रुपया मिलना था अपने को, 12 रुपया में से बंदे ने क्या क्या दे दिया था, 3 रुपया प्लस 6 रुपया 9 रुपया दे दिया था, कितना बाकी रह गया 3 रुपया। या आप ये समझो 10 रुपया का शेयर है, 10 रुपये के शेयर में से उसने एप्लीकेशन में 3 रुपया दे दिया, अलॉटमेंट में उसने 4 रुपया, 2 रुपये को बाद दे दो, तो भी 3 रुपया उसने क्या हुआ है नहीं दिया है, वो आपको उसका फॉल्स इन अरियर है। प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो प्रीमियम तो डेबिट होगा नहीं, एंड उसमें से रीइशू कितने शेयर्स हुए हैं, 350 शेयर्स एट 20% डिस्काउंट, ऐसे इनको अंडरलाइन हाईलाइट कर लेना, ठीक है। सो हियर वी गो विद द सॉल्यूशन, हमारा पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमारा कितना होगा, 5,000 शेयर्स इंटू 10 रुपया, क्योंकि पूरा अमाउंट कॉल्ड अप है, टू कॉल्स इन अरियर 5,000 इंटू 3 15,000, टू शेयर फोरफीचर 5,000 इंटू 7, 7 रुपए तो दिया उसने एप्लीकेशन का, 3 और 4 अलॉटमेंट का, बिकॉज प्रीमियम का पैसा फोरफीचर अकाउंट में नहीं जाता है, ये पहले भी समझाए हैं आपको, राइट। सो दिस कम्स टू 35,000, इसमें से 3/5 शेयर, 5,000 का 3/5 3,000, 5,000 इंटू 3 बट्टा 5 3/5 3,000 शेयर रीइश्यू हुआ है, एंड रीइश्यू कितना में किया है 20% डिस्काउंट, तो 10 रुपये का शेयर 20% डिस्काउंट मतलब 8 रुपया लेके रीइश्यू कर रहे हैं अपन। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 10 कितना हुआ 30,000, 3,000 इंटू 8 24,000, 3,000 इंटू 2 6,000, राइट। अब पर शेयर हम लोगों ने पहले क्रेडिट कितना किया था 7, अब बाद में पर शेयर में डेबिट कितना किया है 2, तो पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ 5। सो आपका लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,000 इंटू 5 दिस इज 15,000। ये 5 कैसे आया, वही 7 माइनस 2, क्लियर। हमारे लास्ट क्वेश्चन 2023 में आया हुआ 6 मार्क्स का कंप्लीट समझता, ये 50 शेयर्स कंपनी ने इशू किया, 10 रुपए एज का, 2 रुपया प्रीमियम है, एप्लीकेशन में 2 रुपया, 5 रुपया अलॉटमेंट में, 3 फर्स्ट कॉल, बाकी का फाइनल कॉल पे,
सो 12 में से 7 और 3 10, तो बचा 2 रुपये फाइनल कॉल पे। कंपनी ने फाइनल कॉल किया नहीं है, याद रखिएगा कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं किया है। कंपनी को फर्स्ट कॉल तक का सारा पैसा मिल गया है, ये भी पहला सम से याद रखिएगा, इसको भी स्टार मार्क मार लीजिएगा। क्लियर। एक शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ये शेयर्स कंपनी ने फोरफिट कर लिया है, री इशू का झमेला ही नहीं दिया आपको। क्लियर। सो लेट अस गो विद द सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा पास पास में टेस्ट कर देता हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रह जाएगा। सो है कुछ नहीं, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा तो कुछ दिया ही नहीं है। 50,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके 1 लाख, कहीं कोई रिफंड की बात तो आएगी नहीं, बिकॉज एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आया ही नहीं है। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक लाख। नेक्स्ट एंट्री आपने क्या की, अलॉटमेंट अकाउंट। अब वैसे मैंने तो कुछ की नहीं है, मैं तो आपका देख के कर रहा हूँ, खुद करो दोस्तों तो अच्छा लगेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कितने लोग अपने आप कर रहे हैं ना यार, वो जरूर लिखना, मजा आएगा देख करके। अलॉटमेंट में डेबिट कितना, 2,50,000 किया होगा आपने, क्योंकि 50,000 शेयर से 5 रुपये करके, उसमें 2 रुपया प्रीमियम है तो कैपिटल का 3 रुपये है, तो 3 रुपये करके कैपिटल में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख। अब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में तो जितना डेबिट हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा। कॉल्स अरियर 1000 शेयर्स पे 5 रुपया, तो 5,000, तो बैंक में डेबिट कितना होगा दोस्तों, 2,45,000। फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है, फर्स्ट कॉल की बात है अभी, तो फर्स्ट कॉल 3 रुपए करके हैं। क्लियर। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने के एंट्री इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इस बार आपका कॉल शेयर कितना होगा, ऑब्वियसली 1000 शेयर्स पे 3 रुपया करके 3,000, तो बैंक में कितना डेबिट हो जाएगा, 1,47,000। यहां तक तो सब कुछ पुराना था, अब आपका नया जो है ना वो क्या है, खाली अपने को वो देखना है, वो समझना है कि नया एंट्री क्या होगा। राइट। सो नई एंट्री जो आपकी, अब कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था शायद, नई एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब फोर फीचर वाली एंट्री, सॉरी फोर फीचर की एंट्री में इट्स शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोर फीचर की एंट्री, ये शेयर से फोर फिट हो रहा है हमारे। नहीं क्यों है मालूम है, क्योंकि यहाँ पे 1000 इंटू 8 रुपया डेबिट होगा। क्यों 8 रुपया डेबिट होगा, बिकॉज 8 रुपये तुम्हारा कॉल्ड अप अमाउंट है, जरूर से नोट कर लेना, कॉल्ड अप अमाउंट तुम्हारा 8 रुपये दोस्तों, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 8,000, क्योंकि 3 रुपया हमने कॉल किया था, हमने एप्लीकेशन में लिया था 2 रुपया, अलॉटमेंट लिया था 3, फर्स्ट कॉल लिया था 3, 3 और 3 6 और 2 8, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 8,000 टू कॉल सिनेरियर 8,000, क्योंकि फर्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट 5 और 3 8, अब वैसे भी देखें तो 5,000 और 3,000 8,000 एंड टू शेयर फॉरफीचर। 1000 शेयर से बंदे ने दिया क्या है कंपनी को,
सिर्फ 2 रुपया 2000। आपका एंट्री मैच नहीं हो रहा है, क्यों मालूम है? कि आपने क्या गलती की कि आपने यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट भी हमारा डेबिट होगा, तो कॉल डेब आपने साइड में लिख लिया होगा, प्रीमियम भी था सम्स में, बंदे ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, आपको याद होगा अभी एक सम्स में बताए थे आपको कि सिक्योरिटीज का पैसा अगर नहीं मिला है तो वो भी डेबिट हो जाता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 × 2, 2000। क्लियर? ये आपको बताने के लिए हमने स्किप किया था कि आपको पता चले, याद आ जाए, रिकॉल हो जाए कि यस प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो वो डेबिट होता है। बात समझ में आ रहा है? 2 रुपया प्रीमियम था आप अलॉटमेंट वाले स्टेज में, वो एडमिन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है। क्लियर? सो आई होप आपके इश्यू शेयर्स का सारा कॉन्सेप्ट, जितना अभी तक का कॉन्सेप्ट पेपर आए उसमें क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट पे, आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर वंडरफुल रिजल्ट। हैव रॉकिंग लाइफ एंड रॉकिंग करियर्स। थैंक यू सो मच।